हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके हार्ट एडिटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग, तो आप लोग थंबनेल पर देख सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का फोटो एडिटिंग काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, आप मेरे एक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर प्रेस करना, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड को तुरंत तक पहुँचे। फोटो को अपने स्नैपशॉट के अंदर ना शेयर करना है। शेयर करने के बाद कुछ इस टाइप में इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको टूल्स में जाना है, डिटेल्स में जाकर आपको डिटेल्स बढ़ा लेना है, फिर डन कर देना है। फिर टूल्स में जाने के बाद टूल इमेज में जाकर आपको इसको सेटिंग कुछ इस तरह रखना है। देख लीजिए, डन कर देना है। डन करने के बाद आपको तीर वाले आइकन पर क्लिक करके फ्यूज एडिट में जाकर टेन एज में जाकर ब्रश को सिलेक्ट करके आपको इसको ओके करके इसको जीरो कर लेना है। उसके बाद इसको ब्रश चलाना है। उसके बाद आपको इसको शेयर कर देना है लाइट रूम के अंदर। सबसे पहले आपको इफेक्ट्स में जाकर विग्नेट को माइनस कर लेना है, करीब 14-15 के लगभग में। डिटेल्स को थोड़ा बढ़ा देना है। उसके लिए मिक्स टूल पे जाना है। मिक्स को सेलेक्ट करके आपको फेस का रंग होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके सेचुरेशन को माइनस करना है। ल्यूमिनस को थोड़ा बढ़ा देना है करीब इतना। बैगनी कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस करना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है। फिर इसको भी माइनस करना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है। फिर इसको भी ह्यू माइनस करना है करीब इतना, सेचुरेशन को बढ़ा देना है। इसको ह्यू को प्लस करना है, सेचुरेशन को भी प्लस करना है करीब इतना। ऐसे डन कर लेना है। लाइट इफेक्ट्स में जाकर आपको शेडोज को बढ़ा देना है, हाइलाइटर्स को कम करना है, सॉफ्टनेस को भी बढ़ा लेना है करीब इतना। देख सकते हो डन बिफोर आफ्टर, यानी यहाँ से ओके कर लीजिए।